मेरा नाम है कवि विनय बिहारी साहु। मेरे जिंदगी में एक ही अभाव, मेरे झोंकड़ी में नहीं रहता कि पैसा, फ्री में जीवन जीता हूँ अपने विचारों कविताओं के कारण सहनशाह जैसे। बहुत हुआ मोदी की गुलामी, बहुत हुआ मोदी की गुलामी, अब बनाएंगे हम सब जनता खुद के स्वामी। ऐसा होगा तभी हम सब साथ में साथ मिलाकर, हाथ में हाथ मिलाकर, कदम से कदम मिलाकर एक साथ चलेंगे तभी। और ना हम भाजपा के साथ है, ना RJD के साथ है, ना JDU के साथ है। जो देश हित में बात करेगा मैं उसके साथ हूँ। मैं सबके एजेंडे पे अभी गौर कर रहा हूँ। जिसका एजेंडा मुझे देश हित के लिए लगेगा मैं उसके साथ खड़ा रहूँ, उसको उसी को वोट करूँ। लालू प्रसाद यादव जी एक बात ऐसे शख्स हैं जिनके पास ईश्वरीय शक्ति गॉड गिफ्ट है। गॉड गिफ्ट अगर नहीं होता तो रोहिणी जैसा जैसे बेटी नहीं होता। नमस्कार, मैं प्रवीण और आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक चरखा न्यूज। देखिए हम अभी पाटलिपुत्रा लोकसभा में मौजूद हैं। नीतीश कुमार का हाल ही में एक स्टेटमेंट आया है कि लालू जी सिर्फ परिवार बात करते हैं, वो सिर्फ अपने परिवार का विकास कर रहे हैं, वो राज्य का विकास क्या करेंगे। ऐसे में मीसा भारती और रोहिणी आचार्य को उन्होंने चुनावी मैदान में उतार दिया है। ऐसे में अब लोगों का कहना है कि क्या बिना एक्सपीरियंस के ऐसे चुनाव मैदान में उतारना क्या सही रहेगा। आज हम जनता से जानने आए हैं कि क्या इस पे जनता की राय है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है कवि विनय बिहारी साहु। मेरे जिंदगी में एक ही अभाव, मेरे झोंकड़ी में नहीं रहता कि पैसा, फ्री में जीवन जीता हूँ अपने विचारों कविताओं के कारण सहनशाह जैसे। अच्छा, लोग अब कह रहे हैं कि बिना एक्सपीरियंस के रोहिणी आचार्य और मीसा भारती को चुनावी मैदान में लालू जी उतार दिए हैं, और नीतीश कुमार ने हाल ही में एक स्टेटमेंट आया कि वो सिर्फ अपने परिवार का विकास करें, परिवार बात कर रहे हैं, इसको कैसे देखते हैं? देखिए बात बताते हैं, एक्सपीरियंस जो है ना है एक्सपीरियंस, नीतीश कुमार जी का शुरू से एक्सपीरियंस थका और लालू जी के शुरू से एक्सपीरियंस थका। और तेजस्वी जी को देखिए, वो राजनीतिक 2015 में कमाल कर दिए, 2020 में कमाल कर दिए, आप 24 में तो धमाल कर दिए। बताते हैं आपको एक्सपीरियंस क्या होता है। एक्सपीरियंस गॉड गिफ्ट होता है, अंदर की प्रेरणा, अंदर की ताकत, अंदर की साहस, अंदर की ईश्वरीय शक्ति वो है रोहिणी आचार्य में और मीसा भारती में। अगर एक्सपीरियंस नहीं होता तो कोई भी आदमी एक मैल देने को तैयार नहीं होता है। उन्होंने अपने बाप को जीवन दान दिया था। एक्सपीरियंस तो वो है ना कि आने वाले समय में 4 जून को समझ में आ जाएगा कि क्या है एक्सपीरियंस रोहिणी आचार्य को और क्या है एक्सपीरियंस ये मीसा भारती को और क्या है तेजस्वी यादव को, समझ में आ जाएगा। नीतीश जी कह रहे हैं अब की बार 4000 पार। अरे भैया वो तो ये कहते हैं कि नहीं, वो तो ये भी कहते हैं कि मिट्टी में मिल जाएंगे और फलना जग नहीं जाएंगे। वो तो यही कहते हैं कि अब जहाँ जब तक जीवन रहेगा यही रहेंगे, क्योंकि हमारा पार्टी को तोड़ने की कोशिश करता था, हमको बर्बाद करने का था। बात समझिए, हम नीतीश कुमार जी बहु हैं, माननीय मुख्यमंत्री हैं, लेकिन इनको हम उतना बात को वजन नहीं लेते हैं। हाँ मानते हैं, अदब है, अभिभावक है, प्रेरणा स्रोत है और बेहतर काम पहले किया था, लेकिन अब जो है ना कुछ गवाग है, सठियाग है और तुमको कुछ चाहिए, कुछ इलाज बेहतर तरीके से चाहिए कि भाई ट्रीटमेंट करवाएं अपना। पर उनका बात को अब उतना अहमियत नहीं दे। अगर उतना अहमियत रहता तो विधानसभा में जो बोल दिए थे, कितना अश्लील बात बोल दिए थे, जितना लोग महिलाएं लोग अपना सर छुपा रहे थे, दामन आँचे से छुपा रहे थे, ये सब बात देखिए। अब नीतीश कुमार जी को कुछ आराम चाहिए, होता रहे काम 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 का आराम चाहिए। और इन्होंने काम खाली कुर्सी के फेर में, कभी इधर कुर्सी, कभी इधर कुर्सी, कभी इधर कुर्सी, कभी फोकस मारा। इनको आराम चाहिए, आराम कुछ नहीं करेंगे, माइंड तो सही होगा, फिर बढ़िया से बोलेंगे, फिर अनर्गल बात विवाद नहीं बोलेंगे। तो मीसा भारती को इस बार वोट कर रहे हैं? मीसा भारती को वोट कर रहे हैं और पूरा पाटलिपुत्रा के लोग करेंगे। और इस बार तो गर्दा गर्दी उड़ करके चुनाव में बेहतर आएगा, क्योंकि जनता समझ में आ गया है कि काम का मतलब तेजस्वी यादव, नौकरी का मतलब तेजस्वी यादव, तरक्की का मतलब तेजस्वी यादव, विश्वास का मतलब तरक्की यादव, भरोसा का मतलब तेजस्वी यादव, और कृपा और दान और सेवा का मतलब रोहिणी आचार्य। ये सब लालू प्रसाद यादव जी एक बात ऐसे शख्स हैं जिनके पास ईश्वरीय शक्ति गॉड गिफ्ट है। गॉड गिफ्ट अगर नहीं होता तो रोहिणी आचार्य से बेटी नहीं होता। गॉड गिफ्ट नहीं होता तो तेजस्वी यादव अकेले पूरा का पूरा 2020 में याद कीजिए 12000 के वोट के अंतर से इन्होंने बेमानी करके सरकार को कब्जा में कर लिया, फिर भी छोड़ दिया। पर तेजस्वी यादव जी है तो नहीं, क्यों? योग्यता है, क्षमता है, पात्रता है, गुणवत्ता है, अगला चुनाव में देख लेंगे। और जम दही को और जमाएंगे, कितना काटोगे, छुरी भतरा जाएगा, लेकिन हमारा दही नहीं जमेगा। इस बार दही कस के जमा हुआ है, इस बार बेहतर आएगा। और हम बताना चाहते हैं कविता के माध्यम से, हम सब
हम सब अपनी शक्ति को इतना आगे बढ़ाएंगे कि पूरी दुनिया को हम सब अब मुट्ठी में छिपाएंगे। अब अगर हम रोएंगे कमजोरी और लाचारी कोरोना तो पड़ सकता है जीवन रूपी सबसे बड़ी सौगात सबसे बड़ी सौगात खो रहे हैं। इसलिए भैया बात को सुनिए, आपसी एकता का रास्ता चुनिए। एक दिन ऐसा आएगा देश भर में कोई गरीब बेबस लाचार अल्पसंख्यक कहीं कहीं नहीं रो पाएगा। बहुत हुआ मोदी की गुलामी, बहुत हुआ मोदी की गुलामी, अब बनाएंगे हम सब जनता खुद के स्वामी। ऐसा होगा तभी हम सब साथ में साथ मिलाकर, हाथ में हाथ मिलाकर, कदम से कदम मिलाकर एक साथ चलेंगे तभी। तो रुखमोड़ दे हवाओं का इंसान है लालू यादव भाई, रुखमोड़ दे हवाओं का इंसान है तेजस्वी प्रसाद वही, मेहनत पुरुषार्थ ईमानदारी को सारे काम करते सब सही। एक आवाज एक हुंकार एक पुकार एक साथ तभी गिरेगी एक केंद्र की एक जुमलेबाजों की सरकार। अकेले चिल्लाएंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे, सब साथ मिलकर आएंगे तो एक नया और बेहतर इतिहास बनाएंगे और बेहतर केंद्र में सरकार इंडिया गठबंधन का लाएंगे और 500 रुपये गैस 1200 वाला गैस 500 दिलाएंगे और 1 करोड़ नौकरी। परिवार देखिए, परिवार के तो सब कोई बीजेपी में नहीं है, उसमें भी तो लोग अपना अपना लड़का के चिराग पासवान जी अपना जीजा जी के खड़ा किए हैं, तो सब कोई जहाँ मौका मिलता है वो कोई पहले अपने नहीं देखता है जी। तो इस बार आप लोग हैं मीसा भारती के साथ है, वोट सब, कर रहे हैं मीसा भारती, सब कोई साथ है, पूरा बहुमत मिलेगा, मिलेगा बहुमत। क्या क्या नाम है भैया? प्रेम मिश्रा। अच्छा लोग कह रहे हैं कि लालू जी अपनी दोनों बेटियों को बिना एक्सपीरियंस के चुनावी मैदान में उतार दिया, कैसे बोलते हैं? गलत तो है ही, नया इतना आदमी है सबको मौका मिलना चाहिए, बहुत है काबिल आदमी सब बिहार में, कमी नहीं है, सही आदमी को मिलता नहीं है और जो चलते आ रहा है उसी को घींच रहा है सब, यही चीज है। भाजपा में भी तो यही हाल है, वही सबका वही है, लेकिन अभी तो जो है सो सो है, लेकिन आगे से कुछ सुधार के लिए प्रशांत किशोर कर रहे हैं उसी में कुछ होगा फायदा। प्रशांत किशोर के साथ है? हम साथ नहीं है, जो सही कर रहे हैं उसके साथ है, वो तो गांव को लेके चल रहे हैं, सबको लेके चल रहे हैं, सबसे अलग ना होना चाहिए, जो कुछ सही हो जो दिखने से सही लगे सबको लगे बस। आप पूछ रहे थे कि आप किसके साथ? जी जी बिल्कुल, देखिए ना हम भाजपा के साथ है, ना RJD के साथ है, ना JDU के साथ है। जो देश हित में बात करेगा मैं उसके साथ हूँ, मैं सबके एजेंडे पे अभी गौर कर रहा हूँ, जिसका एजेंडा मुझे देश हित के लिए लगेगा मैं उसके साथ खड़ा रहूँगा, उसको उसी को वोट करूँगा। अच्छा नीतीश कुमार कह रहे हैं कि लालू जी सिर्फ विकास कर रहे हैं अपने परिवार का। जी देखिए ये उनका आपस का मैटर हो गया, चाचा और भाई भाई का मैटर है, उसमें हम नहीं कहेंगे, अगर जिनके पास देश हित की बात होगी मैं उसके साथ खड़ा हूँ बस। आपके हिसाब से देश अभी तक कौन मतलब लग रहा है, कौन सी पार्टी देश हित में सोच रही है, देश हित में? अभी तो अभी उनके एजेंडे पे मैंने अभी काम कर रहा हूँ, अभी जैसे ही अपने बिहार का चरण का बाड़ी आएगा तो हम देख लेंगे। देखिए हम अभी एक नाश्ते के दुकान पे थे, हमारे साथ कुछ लोग थे, देखा कि आपने उनका ओपिनियन इस पूरे वीडियो में क्या रहा, बाकी आपकी क्या प्रतिक्रिया इस पूरे वीडियो में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही इस तरह के तमाम खबरों को देखने के लिए डेमोक्रेटिक चरखा को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।